रिसेंटली एक मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस क्रिएटर की, बिकॉज शी इज रियली अमेजिंग, उसकी वीडियोज बहुत अच्छी होती हैं। रिसेंटली वो भी ऐसी सिचुएशन में फंस गई थी, अगर आपको पता हो तो, मैं नाम नहीं बोलने वाला हूँ लेकिन आपको पता है, एंड शी इज रियली अमेजिंग। अभी भी वो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत लोगों से जानते हो, बहुत फेमस है वो, ठीक है, और उसके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। इनफैक्ट उनके जो फोटोज वीडियोज बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वो लड़की जिस तरह से इस प्रॉब्लम से बाहर निकल के आई ना, वो बहुत अमेजिंग है। वो भी इस सिचुएशन में फंसी थी, उसकी वीडियो भी यूट्यूब पे डाल दी गई थी, जो कि वो किसी पे विश्वास करती थी, किसी को जानती थी, और जानती थी तो इंटीमेट हो गई, उसने वो वीडियो बना ली और फाइनली वो वीडियो यूट्यूब पे पता नहीं कैसे बाहर आई, बट वो बाहर आई। उसके बाद देखिए, वो अगर उस लड़की में हिम्मत ना होती तो शायद वो हिम्मत हार जाती और आज शायद वो सोशल मीडिया पे ना होती। लेकिन उस लड़की ने सबका सामना किया। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा था कि उस लड़की ने बेसिकली एक लाइव सेशन लिया और अपनी मन की बात बताई, उसके साथ जो हुआ उसने क्लियरली बताया, बहुत अच्छी बात थी। और आज वो लड़की एक ब्रांड है, ओके, उसने सारी चीज़ें फेस की। मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूँ, क्या उस लड़की की जो वीडियो जिसने भी डाली, वो तो अब उसके सामने कोई औकात भी नहीं रखता है, ठीक है। उस वीडियो को या उस बात को लोग कितने दिन तक याद रखे, 3 या 4 दिन, और आज वो बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी है, उसको लोग बहुत लंबे टाइम तक याद रखेंगे। तो मैं आप लोगों से फाइनल सॉल्यूशन बताऊं क्या है, अगर आप इन सब चीजों में फंसे, आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप ये मत घबराइए कि मेरी फोटो जो कि इंटीमेट थी या मेरी वीडियो जो कि इंटीमेट थी वो कोई बाहर निकाल देगा तो मेरे पापा क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेगी, सोशली लोग मुझे बिल्कुल मतलब बाहर कर देंगे, अवॉइड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रुकिए, कोई भी इंसिडेंट अगर आप बाहर निकल के आते हैं, वो कहते हैं ना आपको, मैं तेरे ये वीडियो या फोटो वायरल कर दूंगा, उसको एक ही बात बोलनी है, कर दे। मैं बोलूं क्यों कह रहा हूं मैं आपसे कि कर दे, पैसे नहीं देने, ध्यान रखना, ब्लैकमेल कर रहा है, गलत काम नहीं, तेरी जो इच्छा में हो जो कर ले। क्यों? कोई भी बड़ी सी बड़ी चीज भी ना 3 या 4 दिन ही लोग याद रखते हैं, तो इतनी सी बात के लिए अपनी जिंदगी को खत्म करने की जरूरत नहीं है।